हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में न्यू रिक्रूटमेंट की डिस्कस करने वाले हैं, जो कि वैकेंसीज आउट की गई है DRDO से। भारत की शान हमारी DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वेरियस पोस्ट के लिए अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट आउट की गई है, जिसे कि ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकाली गई है DRDO से, तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। क्या बोले यार, यहाँ से वैकेंसीज भी नहीं निकलती है और जो वैकेंसी निकली है उसका एग्जाम्स भी नहीं होता है। आजकल यही सिस्टम है, क्या करें। फिर भी यहाँ से वैकेंसीज निकलेगी ज़रूर, इतना ध्यान रखिएगा, जिसको लेकर आप अप्रेंटिसशिप कर लें, क्योंकि आपकी सेप्टेम्बर 10th की वैकेंसीज आने वाली है। अब देखिए कब तक आती है, बिकॉज जब तक ले MTS का एग्ज़ाम्स नहीं होगा ना, तब तक सेप्टेम्बर 10th की वैकेंसीज आएगी नहीं, और MTS का एग्ज़ाम्स होने में लगभग आपको समय लग जाएगा दिसंबर तक। हाँ गाइस, दिसंबर तक आपकी एग्ज़ाम्स हो जाएगी MTS की। सो प्लीज़, जो भी कैंडिडेट MTS का फॉर्म फिल किए हैं, अपनी प्रिपरेशन आप ज़ोरों से लगा लो। जब भी यहाँ पर DRDO की तरफ से आएगी नोटिफिकेशन, फटाक से आपकी एडमिट कार्ड जारी कर देगी, कोई भी चांस आपको नहीं देगा। हालांकि रेलवे से भी बदतर में अब तक आपकी इनकी एग्जाम प्रोसेस को मैं मान रहा हूं, कहीं ना कहीं रेलवे का भाई जैसा लग रहा है। क्या करो, कि यही प्रोसेस है हमारी गवर्नमेंट एंड हमारी सिस्टम का, एजुकेशन सिस्टम का। चलिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए फुल डिटेल्स की जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में जानेंगे कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस आपका क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। इससे पहले मैं बता दूँ, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको बराबर मिलते रहे। गाइस, आजकल की डेट में हम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, तो सबसे बड़ा टेंशन हमारे लिए ये होता है कि इस रोडवे में तैयारी करें, बुक्स कौन सा खरीदें, कौन सा हमें पढ़ना चाहिए जो इफेक्टिव प्रिपरेशन करे और हमें एक अच्छे सिलेबस के आधार पर एक बेस्ट प्रिपरेशन तक पहुंचा दे, जो कि आजकल डेट में काफ़ी कॉस्टली भी है और अनेक तरह की बुक्स अवेलेबल है। तो मैं एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ, ऑलिव बोर्ड, जो कि इंडिया का बिगेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप सभी एग्जाम्स, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम्पल में जैसे कि IBPS हो गया, SBI PO हो गया, RRB PO हो गया, IPS क्लर्क हो गया, RBI ग्रेड, SSC, CGL, CPO, रेलवे, UPSC, अदर एनी एग्जामिनेशन, आप सभी कैंडिडेट इनका फ्री ई बुक यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। क्या करना है, एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, ओपन करें, रजिस्टर करके उसमें लॉग इन करें। उसके बाद एक डैशबोर्ड सेक्शन मिलेगी, यहाँ पर आपको फ्री ई बुक सेक्शन पे क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे सारी ई बुक्स अवेलेबल है, जैसे कि ऑल ई बुक्स मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की, मंथली मैगजीन मिल जाएगी, अदरवाइज यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की, सॉल्व पेपर की, यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करके बैंक, इंश्योरेंस, रेलवे, जिसका भी आप डाउनलोड करना चाहते वो कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्ज आपको लगने वाला नहीं है। तो देख सकते हैं, एक डाउनलोड हो चुका है, आप आराम से इनके सॉल्व पेपर चेक कर सकते हैं, क्या होगी, किस तरह से यहाँ पर रखी गई है। तो दैट इज़ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, फ्री में ये प्रोवाइड कर रही है, तो अच्छी बात है, आज ही डाउनलोड करें, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो गाइज, ये आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि रिलीज़ की गई है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में 25 सितंबर से 1 अक्टूबर वाले एडिशन में, पेज नंबर 36 पे आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पे खुद भी आप इसे चेक कर सकते हैं, बट इसका कोई पेड सब्सक्रिप्शन होता है, वो सब्सक्राइब करने पर ही आप इसे देख सकते हैं। बट यहाँ पे नोटिफिकेशन लिंक दे दी जाएगी सक्सेस दिलीप के टेलीग्राम चैनल पे, देख सकते हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक जो डिवीजन है आपकी, जिसे हम DGR यानी कि डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं, ये आपका चंडीगढ़ में स्थित है। यहाँ से अप्रेंटिसशिप के लिए, जो कि एक साल की टेन्योर होगी, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत यहाँ पर वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे अप्रेंटिसशिप कौन कौन सी ब्रांचेज रहने वाली है, उसके बाद आपकी रहने की एक डिप्लोमा, ITI एंड डिग्री बेस पे, लोकेशन यानी कि जॉब लोकेशन कहाँ होगी, यहाँ पर स्टेपन को डिस्कस किया गया है। नोटिफिकेशन शॉर्ट है और वैकेंसीज भी कोई ऐसी नहीं कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी, जो कमी वैकेंसीज है, लेकिन क्या करें, अपडेट देना तो मेरा काम बनता है, आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की मैं बात करूँ तो यहाँ पर BSc फिजिक्स होनी चाहिए और BSc इन मैथमेटिक्स, यहाँ पर आपका स्टेटिक्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है, मनाली में आपकी जॉब पोस्टिंग होगी, 9000 आपकी स्टेपन रखी गई है। डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप में सिविल के लिए, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसीज इनवाइट की गई है, ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा के लिए, जिसमें से चंडीगढ़, मनाली, श्रीनगर, ओली और यहाँ पर ससोमा करके जगह वहाँ पर होगी। डिप्लोमा वालों को 8000 पर मंथ यहाँ पर स्टेपन मिलने वाली है।
अब आईटी अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट में डिस्कस करूं तो ट्रेड अच्छा खासा आईटीआई वालों के लिए यहाँ पर इनवाइट की गई है। सबसे पहले आईटीआई कोपा है, एक आपका हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग है जो कि बहुत ही कम वैकेंसीज निकलती है, लेकिन यहाँ पे भी कौन ज़्यादा वैकेंसीज निकली है, ये एक पोस्ट पर तो वैकेंसीज है चंडीगढ़। ये तो अप्रेंटिसशिप की, बताओ डीआरडीओ कभी एग्ज़ाम टाइम पर नहीं करवाता है ना, ये वैकेंसीज निकालता है भाई साहब। कम से कम अप्रेंटिसशिप भी निकालो तो अच्छा खासा पोस्ट लेकर आओ, एक दो पोस्ट पर ये वैकेंसीज निकाल देते हैं यहाँ पर। मतलब जो भी 7-8 हज़ार बच्चों को देते हैं, इनसे भी ये भी देने में इनको जो है वो मोह लगता है। अब बताइए फ्री में कर दो बच्चों को और क्या। आईटीआई ड्राफ्टमैन की वैकेंसीज है, उसके बाद सुपर सर्वेयर की वैकेंसी है जो कि सिविल के लिए, ड्राफ्टमैन सिविल में भी वैकेंसी है, जियो इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट में वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए और सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए। बड़ी अजीब बात है, यहाँ पर आईटीआई की जो लैमसम अनदर ट्रेड है, यानी कि वो सब ट्रेड में वैकेंसी ज़्यादा निकलती नहीं है, वो सब ट्रेड को यहाँ पर मौका दिया गया है। फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, ये सबको कहीं अपॉर्चुनिटीज मिली ही नहीं है। तो अलग अलग ट्रेड है यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये सब जो ट्रेड से बिलोंग करते हैं अप्लाई ज़रूर करें, आपको भी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिलने वाली है। इन लोगों को 7,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगी। बात करें फॉर्म फिल की, तो आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन ही फिल करनी होगी, लेकिन लिंक एक्टिवेट अभी तक नहीं की गई है। और क्या प्रोसेस होगा अप्लाई करने का, ये टोटली ऑफिशियल वेबसाइट में जब लिंक एक्टिवेट की जाएगी तो मैं इसके लिए वीडियो ले आऊँगा। अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और नेक्स्ट मैं बात करूँ एज लिमिट, तो 15 साल से लेकर 24 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर आपकी जो एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी एसटीएससी वालों को 5 एंड ओबीसी वालों को 3 इयर्स का। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ स्टेपन की, तो जो कि डिस्कस ऑलरेडी किया गया है, कोई भी एग्जाम्स नहीं होगी बिल्कुल आपकी, और इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं सभी कैंडिडेट्स। देन यहाँ पर एग्ज़ाम्स मेरिट बेस पर आपका सलेक्शन होगा, जो भी आपका मार्क्स है उसके हिसाब से आपकी सलेक्शन हो जाएगी। तो बस यही डिटेल से, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल लगे आप अप्लाई करने के लिए एंड इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर अप्लाई करें। वैकेंसी जितनी ही आ रही है क्या करो, हालांकि सितंबर 10 की आएगी तो उसमें तैयारी में आप लग जाओ। होपफुली गाइस वीडियो कैसी लगी, यूजफुल लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।